मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है स्टीम इनहेलेशन, भाप कैसे लेते हैं और इसके क्या फायदे हैं। दोस्तों जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, काफी दिनों से लोग के जो पेशेंट्स गए वो कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे अंदर कफ जमा हुआ है, यानी कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है या नॉन कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उनके अंदर क्या है, कफ जमा रहता है। तो कफ को बाहर निकालने के लिए सबसे बढ़िया विधि क्या है, तो सबसे बढ़िया जो है वो है स्टीम इनहेलेशन। तो स्टीम इनहेलेशन कैसे लेते हैं मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं और स्टीम इनहेलेशन क्या काम करता है बात कर लेते हैं अपन। आप यहां पर एक इमेज में एक देख रहे होंगे, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ये आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, स्टीम इनहेलर के नाम से आता है। अगर ये आपको मार्केट में नहीं मिलता है, जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है या फिर लोग घर पर हैं या फिर इसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको भाप लेना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। बात कर लेते हैं स्टीम इनहेलेशन काम क्या करता है। एक और इश्यू आ रहा था कि कई जो पेशेंट है वो बोल रहे थे कि सर हम नेबुलाइजेशन ले रहे हैं तो स्टीम इनहेलेशन भी लेना जरूरी है क्या। देखो नेबुलाइजेशन और स्टीम इनहेलेशन दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं। नेबुलाइजेशन में क्या होता है कि जो नेबुलाइजेशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर या तो सालब्यूटामोल या तो डियोलिन या फिर ब्यूडोकोर्ट उसके अंदर हम डालते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरह से ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। जबकि स्टीम इनहेलेशन क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टीम होती है, यानी स्टीम का मतलब भाप होती है, वो गर्म होती है और वो क्या करती है कि जो म्यूकस जमा होता है उसको पतला करने का काम करती है। किसको पतला करने का काम करती है, म्यूकस को पतला करने का काम करती है। जैसे मैं आप यहां पर इमेज में देख रहे होंगे, ऐसे आपको स्टीम इनहेलेशन लेना है और जैसे ये स्टीम नोज के थ्रू यानी कि नाक और मुंह के द्वारा कहां पर जाती है, फेफड़ों में जाती है, तो यहां पर फेफड़ों में अगर कोई क्या है म्यूकस जमा हुआ है, म्यूकस या फिर कोई कफ जमा हुआ है तो इसको क्या करती है, इसको पतला कर देती है, क्या कर देती है, इसको पतला कर देती है और बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भाप कैसे लेते हैं, आप यहाँ उपकरण में देख रहे होंगे ऐसे भाप लेते हैं। अगर दोस्तों आप गांव में रहते हैं या फिर आपको उपकरण नहीं मिल पा रहा है तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं भाप कैसे लेना है, देखते हैं वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों ये मैंने गर्म पानी कर लिया है, गर्म पानी करने के बाद में आपको क्या करना है, ऐसा गमछा लेना है और गमछा लेने के बाद में ये जो गर्म पानी आपको अपने सिर पे करना है और आपको ऐसे इसको ढकते हुए गरम गरम इसको भाप को लेना है, ऐसे ऐसे स्टीम इनहेलेशन लेना है, थोड़ा दूर भी रखना है, ऐसे लेना है, ऐसे आप पूरा इसको पूरी भाप को ले सकते हैं। देख सकते मेरा चश्मा आप एकदम है ना, तो ऐसे आप भाप को ले सकते हैं। इसके अलावा आप भाप को लेने का एक और तरीका है कि इसको भी आप ऐसे पूरा ऐसे कवर कर सकते हैं और ऐसे भी आप भाप को ले सकते हैं ऐसे। तो ये जो भाप है डायरेक्टली क्या है, लंग्स के अंदर जाती है और वहां पर जो भी म्यूकस जमा हुआ है उसको क्या करती है, पतला कर देती है। तो जितने भी कोविड के पेशेंट है जिनके कफ जमा हुआ है या नहीं भी जमा हुआ है वो रेगुलर भाप लें। भाप लेने से क्या है, ब्रोंकियोल साफ रहती है और आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा नहीं, इस प्रकार से आप भाप ले सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं।